हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डेटाबेस सीखने की इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल को लेकर के, यानी एसक्यूएल की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसका पूरा नाम होता है। ठीक है, अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम या समस्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सेस को ओपन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल हमारे पास बनी हुई है। अब ये टेबल में पहले आईडी है, फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट है और फिर प्राइस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको डिजाइन व्यू पे लेकर इसको दिखाऊंगा। यहाँ से व्यू पे जाएंगे होम टैब पे रहते हुए और फिर यहाँ से आएंगे डिजाइन व्यू पर। ये जो डिजाइन व्यू है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर डेटा टाइप किसको क्या दिया गया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आईडी रखा गया, आईडी को बनाया गया प्राइमरी की। और ये याद रखिएगा कि प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू कंटेन करता है और उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर है। तो ऑटो नंबर है तो फायदा क्या है कि ये ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करता चलेगा। ठीक है, दूसरा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, और नेम ऑफ प्रोडक्ट का जो डेटा टाइप है वो शॉर्ट टेक्स्ट रखा है। शायद अगर आप 2007 यूज करेंगे तो वहां पर सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा, शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट का ऑप्शन वहां पर नहीं मिलेगा आपको, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर एक और चीज है प्राइस, और प्राइस का जो डेटा टाइप है उसे रखा गया है करेंसी। और यहाँ से व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डेटाज मैंने फिल कर दिए हैं, देख सकते हैं 4-5 रिकॉर्ड मैंने फिल किया है और सबकी अलग अलग प्राइस है। ठीक है, आप चाहे तो यूनिट का भी एक सेपरेट कॉलम बना सकते हैं या क्वांटिटी का, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूं, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटी। और क्वांटिटी में क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर रख देंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे, यानी यहाँ पे जाके व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देना है आपको। तो इसको यस करते ये ऐसे आएगा। तो अभी क्वांटिटी फिल नहीं हुई है तो इसको भी फिल कर लेते हैं। 5, 6, 7 जितना भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी यहाँ पर हम देते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्वांटिटी, फिर यहाँ पर भी क्वांटिटी हमें देनी है तो नीचे क्लिक करके यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी क्वांटिटी हमें मेंशन करनी है, तो हर जगह क्वांटिटी को मेंशन कर लेने के बाद हमारा काम हो जाएगा। तब हमें देखना है कि कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो आज का टास्क क्या है, देखिए इस टेबल का नाम क्या है, टेबल वन। क्या नाम है, टेबल वन। अब ये जो टेबल वन है ना, इसमें हमें एसक्यूएल क्वेरी लगानी है। कैसी क्वेरी लगानी है कि ये जो दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ पर तो रिकॉर्ड्स कम है, चाहे यूनिट या क्वांटिटी ही है तो यहाँ पे तो रिकॉर्ड्स कम है। अभी रिकॉर्ड बढ़ेंगे तो फिर इनको काउंट करना मुश्किल होगा। ठीक है, एक पेपर पे लिख के आपको काउंट करना पड़ेगा या फिर अलग से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये काउंट हो जाए। ठीक है, काउंट का मतलब ये टोटल हो जाए, इसका एडिशन हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो एक तो एग्रीगेट फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, दूसरा एसक्यूएल के लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा आपको। तो आइए उसी को देखते हैं कि कैसे हम वो क्वेरी लिखेंगे, फिर इसका इफेक्ट देखेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्रिएट पे चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद एसक्यूएल पर हमें चलना है और यहाँ पर देखिए ये सिलेक्ट स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आकर के यहाँ पे लिखना है आपको सम फंक्शन। तो ये सम फंक्शन लगाया हमने और यहाँ पे PRICE प्राइस हो गया। ठीक है, चूंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, हम चाहते हैं प्राइस का टोटल करना। किसका टोटल करना, प्राइस का टोटल करना। तो प्राइस ही ऐड हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि आप माउस को गिन पाएंगे। जैसे ये माउस लिखा हुआ है तो इसको नहीं आप गिन सकते। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको सम कहाँ कर पाएंगे, इसको जोड़ थोड़ी ना पाएंगे कि अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है तो इसको जोड़ लेंगे। तो हम या तो प्राइस का टोटल करेंगे या तो क्वांटिटी का टोटल करेंगे, तो इस बार प्राइस का करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली क्वेरी में हम प्राइस का ही टोटल करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देंगे, एज टोटल अमाउंट, टोटल अंडरस्कोर लगा के लिख देंगे अमाउंट। यहाँ पर गैप एक्सेप्टेबल नहीं होता है ये ध्यान दीजिएगा, तो गैप मत दीजिएगा। और यहाँ पे दे देंगे फ्रॉम, अब टेबल का नाम क्या है, तो हमारे टेबल का नाम है टेबल वन, तो यहाँ पे लिख दीजिए टेबल वन। ये टेबल वन हो गया, आप यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिए। टर्मिनेट कर रहा है यानी सेमी कॉलन लगा देना है आपको, और ये पुरानी वाली टेबल जो ये जो टेबल है टेबल वन वाली, इसको क्लोज कर दीजिएगा। तो यहाँ से जाके क्लिक करके इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसी क्वेरी को आपको सिंपली रन करा देना है। रन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर क्वेरी डिजाइन मिलेगा आपको और यहाँ से जाकर के इसको रन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 28,590 रुपए आ गया है। लेकिन 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 रुकिए, अभी यहाँ पर अगर हम जाते हैं और यहाँ पर कोई और भी प्रोडक्ट है, लाइक i5 कोर प्रोसेसर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेसर i5 कोर प्रोसेसर लिख दिया हमने और यहाँ पर आए तो अब प्राइस इसकी बात करनी है। तो यहाँ पे इसकी प्राइस है 40,000, मान लीजिए 40,000 प्राइस है और यहाँ पर 6 प्रोसेसर हमने लिया। ठीक है,
तो हमको टोटल तो करना नहीं है, हमको खाली इसी का प्राइस देखना है ना। तो अब यहाँ पे क्वेरी पे आना है, तो अभी तो क्वेरी सेम है आपकी, लेकिन एक बार रिफ्रेश कीजिए इसको। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये अपने आप ऐड हो जाएगा, ये फायदा है। और फिर से एक बार करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है। यहाँ पर मान लीजिए मैं फिर कर देता हूँ लेनोवो, लेनोवो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप ये लिखा हमने, और यहाँ पर आए, और यहाँ पर अब 50,000 का लेनोवो डेस्कटॉप है एक, और यहाँ पे 6 कर दिया यहाँ पे, और 6 करने के बाद, 6 करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं वापिस, यानी अपने क्वेरी पे वापिस आते हैं और इसको रिफ्रेश भर कर देना है। तो रिफ्रेश कर दिया तो देखिए 118,590 आ गया। तो बस आपको ऐसे ही करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे SQL के अंदर यूज करना, चाहे आप MySQL के अंदर कर लीजिए, चाहे SQL सर्वर के अंदर कर लीजिए, या आप ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस के अंदर भी इसको कर सकते हैं, सेम तरीका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात। अब एक समस्या हमारे, हमने इसे सम क्यू के नाम से सेव किया है, तो ये देख सकते हैं ये वही वाला है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। इसमें एक समस्या हमारे साथ रहती है हमेशा, जैसे बच्चे जो है प्री डिफाइंड फंक्शन सम और काउंट में कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए ये टोटल करेगा जोड़ करके, अब इन इन नेम्स को तो जोड़ा नहीं जा सकता है ना, तो ये नेम्स अगर काउंट का इस्तेमाल करेंगे तो नेम्स के रोज को ये काउंट करेगा। किसको काउंट करेगा? नेम्स के जो रोज हैं उनको ये काउंट करेगा। ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी लिखी हुई है तो ये क्वांटिटी को पूरा जोड़ करके नहीं देगा, ये दिखाएगा कि यहां पर कितनी, जैसे एक बार लिखा गया है, यहां पर दो बार लिखा गया है, यहां तीन बार लिखा गया, ये चार, तो ये गिन करके बताएगा कि कितनी रोज हैं। ऐसा नहीं है कि आप काउंट लगा देंगे तो भी ये जो जोड़ के दे देगा, ये सम लगाने पे ही जोड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे, एक और जो है मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि कैसे ये करेंगे। पहले तो इसको सेव करते हैं, और ये जो टेबल है यहाँ पे क्रिएट पे आके और क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और फिर यहीं से SQL पर आ जाएंगे। अब देखिए इस बार हम क्वांटिटी को जो है ऐड करेंगे, तो क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो कैसे होगा? सेम वही तरीका जैसे हमने उसमें किया था वैसे ही इसमें भी करना है, तो तरीका तो सेम है, एकदम आसान है। तो चलिए इसको भी करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट है, सेलेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? सम। ठीक है, इस बार किसको सम करना है? तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस बार हम क्वांटिटी को सम कर रहे हैं, तो क्वांटिटी की स्पेलिंग मैच कर लीजिएगा, QUANTITY जो लिखा है वही देना है आपको। तो यहाँ पे लिखिए QUANTITY, तो ये हो गया क्वांटिटी। ठीक है, और इसको कर दीजिए एज टोटल क्वांटिटी, टोटल अंडरस्कोर लगा के क्वांटिटी। ठीक है, एज टोटल क्वांटिटी हो गया, और ये आएगा कहां से? तो आएगा ये फ्रॉम टेबल वन, किससे आएगा? टेबल वन से आएगा, तो यहाँ पे टेबल वन हो गया। अब इसको यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिए, और टर्मिनेट करके और इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, टेबल वन ही लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या आएगा? टेबल वन आएगा। तो ये टेबल वन हो गया, और यहां से जब इसको चलाएंगे ना तब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहां से इसको हम चला देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 114 आ रहा है। तो आप जब काउंट करेंगे टोटल क्वांटिटीज को, तो देखिए 78 है, 6 है, प्लस 5 है, प्लस 6 है, प्लस 7 है, प्लस 6 है, प्लस 6 है, तो सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब अगर मान लीजिए कि कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे यहाँ 16 कर देते हैं, तो क्या ये अपडेट हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आए 16 कर दिया और इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया, तो अब आते हैं यहाँ पर, तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे 114 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर आते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये 17 कर दिया, तो अभी तो 114 दिखाई दे रहा था, अब क्या होगा? तो रिफ्रेश एक बार कर दीजिएगा, और रिफ्रेश करने के बाद चलते हैं कहाँ, अपनी क्वेरी पर चलते हैं। तो देखिए ये तो टोटल वाला है, यहाँ पर हमारी क्वेरी है, ये क्वेरी हमारी, तो 114 दिख रहा है ना, तो रिफ्रेश कर दीजिए। तो रिफ्रेश करते ही ये देखिए ये 134 बन जाएगा, देख रहे हैं? तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। और आप सम का ऐसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से काउंट में बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो काउंट में क्या दिक्कत है? तो काउंट में देखिएगा, जब भी आप काउंट करेंगे तो ये रोज को काउंट करेगा। किसको काउंट करेगा? रो को। तो कैसे काउंट करेगा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से क्रिएट पे चल के एक क्वेरी बना लेते हैं, तो क्वेरी डिजाइन पे आएंगे और यहाँ पर SQL पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है, तो बस यहीं से आपको अब काउंट वाला क्वेरी चालू करना है। तो CONT काउंट, और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और क्लोज करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल देंगे, एस्ट्रिक। ठीक है, ये हो गया एस्ट्रिक, और यहाँ पर क्या करेंगे? एज टोटल काउंट, टोटल काउंट कर देते हैं, CONT, ये हो गया टोटल काउंट। और टोटल काउंट लिखने के बाद ये आएगा कहां से? फ्रॉम टेबल वन से ही आएगा, तो यहाँ पे टेबल वन कर देते हैं और यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। तो देखिएगा जरा, अब इन सबको पहले क्लोज कर देता हूं, और ये क्वेरी वन थी हमारी, तो क्वेरी वन को भी हम यहाँ से सेव करके क्लोज कर देते हैं, क्वेरी वन के ही नाम से सेव कर देते हैं ये। अब ये हमारा क्वेरी टू है, तो देख सकते हैं टोटल काउंट नाम दिया। अब इसको चलाएंगे तो क्या होगा? तो क्वेरी डिजाइन पे जाकर रन करा देते हैं,
तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो अब जरा चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे 7 ही तो रोज है, ये पहली रो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं और ये सातवीं, तो कुल मिला के 7 ही तो रोज है। अगर ये पढ़ती है रो, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम क्या करते हैं, यूएसबी दे देते हैं, यूएसबी, ये यूएसबी दे दिया, अब यूएसबी की प्राइस यहां पर आ जाएगी, तो यहां पे प्राइस डाल देते हैं, तो जो भी प्राइस है, जैसे मान लीजिए यहां पे 300 कर देते हैं, तो ये 300 रुपए प्राइस है यूएसबी की, और कितनी क्वांटिटी है, तो 50 क्वांटिटी है, तो यहां 50 डाल दिया। अब देखिए यहां पर ये ऐसे नहीं आएगा, अब देखिए जब हम यहां पर जाएंगे तो ये तो हमको 7 ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन यहां पे जाके एक बार रिफ्रेश मारिए तो 8 दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी की पूरी वीडियो आपको हेल्पफुल जरूर होगी और इससे आपका काफी काम आसान हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।